दोस्तों, अगर आप भी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और रिंकू सिंह को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में अभिषेक शर्मा ने ठोका शतक तो संजू सैमसन और रिंकू सिंह भी कहां रहने वाले थे पीछे, छक्के चौकों की ऐसी बौछार कर बना डाले इतने रन कि देखकर सूर्य कुमार के भी उड़ गए होश। तो दोस्तों, आखिर भारत की पूरी बल्लेबाजी आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और दोस्तों T20 क्रिकेट में दोनों टीमें आखिरकार आमने सामने आ चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में है, तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शांटू अपनी टीम को कैसे भी करके भारत के खिलाफ जिताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो शायद ये भूल गए कि हमारे पास ऐसा बल्लेबाज मौजूद है जो कि 12-13 गेंदों में ही 50 से ज्यादा रन जोड़ने का दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हुआ ये, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत भारत के लिए की, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने आते संग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इस बीच हर कोई यही सोच रहा था कि आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि यहाँ पर भारत की टीम ने 100 रन की साझेदारी भी कर डाली थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 ओवर के भीतर 100 रन बना दिए गए थे, और इसमें योगदान अभिषेक शर्मा का 75 रनों का था, तो मात्र 23 रन यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले थे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल तो अपना विकेट मुस्तफिजुर रहमान को दे बैठे। लेकिन दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला बड़ा झटका जब 23 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के रूप में भारतीय टीम को लगा, तो यहां से मैच थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आने लग गया। अब सूर्य कुमार यादव अभिषेक शर्मा का साथ निभाने के लिए आए, लेकिन वो भी 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दो बड़े विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे संजू सैमसन, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। इस दौरान स्कोर इतनी तेजी से फिर से आगे बढ़ा कि यहां पर अभिषेक शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, और 123 रन बनाकर अभिषेक शर्मा ने आज इस T20 मुकाबले में पारी खेली। इस दौरान अभिषेक शर्मा ने 123 रन के बीच 17 चौके और 11 बड़े छक्के लगाए, और दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 123 रन मात्र 52 गेंदों के भीतर ही बना डाले। अब अभिषेक शर्मा की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद फिर संजू सैमसन और रिंकू सिंह कहां पीछे रहने वाले थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस दौरान संजू सैमसन ने जहां 42 रन जोड़े, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 6 गेंदों में 28 रन जड़कर अपनी टीम भारत को 227 रन पर पहुंचाया और बांग्लादेश टीम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इस बीच बांग्लादेशी गेंदबाज बस यही कोशिश करते रह गए कि कैसे भी करके भारत के बल्लेबाजों के विकेट गिराए जाएं। लेकिन दोस्तों, यहां पर कोई भी खिलाड़ी भारत का फिर आउट होकर दिया नहीं, और भारत की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ लक्ष्य रख दिया 227 रन का। और दोस्तों, यहां पर इस रोमांचक मुकाबले में रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ऐसी बल्लेबाजी को देख लेने के बाद पूरा भारत देश खुश है, और हर कोई यही चाहता था कि भारत की यह बल्लेबाज कारनामा जरूर कर दिखाएं। बाकी अब आप सब क्या मानते हैं रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप इन बल्लेबाजों को बल्लेबाजी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।